WHO ने जारी किए मास्क पहनने के नए दिशा निर्देश आपके लिए जानना जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अब मास्क पहनने संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी के नए गाइडलाइंस में कहा गया है कि लोगों को उन जगहों पर मास्क पहनना चाहिए जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा सकता। नए दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है कि फेस मास्क किन लोगों को पहनना चाहिए, किन परिस्थितियों में पहनना चाहिए और इनकी बनावटें सामग्री क्या होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मास्क की क्वालिटी को लेकर भी जानकारी दी है। बताया गया है कि नए शोध से मिली जानकारी बाद इनमें कपड़े और अन्य प्रकार के मास्क से संबंधित जानकारी शामिल की है। फेस मास्क को बाजार से खरीदा जा सकता है और घर में भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें 3 परतें होनी चाहिए। सूत का अस्तर यानी लिनिन, पॉलिस्टर की बाहरी परत और बीच में पॉलीप्रोपाइलीन की बनी फिल्टर जैसी परत होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कहा गया है कि देश को अपने यहाँ भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही इस जगहों पर भी जहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन जैसी स्थितियाँ है, रेल, बस जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर ही मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एड्रोम ने आगाह किया है कि फेस मास्क पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने से भी बचना होगा। उनके मुताबिक फेस मास्क इस बीमारी को हराने के लिए व्यापक रणनीति का हिस्सा भर है और अन्य एहतियात उपाय अपनाना भी उतना ही जरूरी है। इस और ज़्यादा स्पष्टता से भी बता सकता हूँ कि मास्क का इस्तेमाल आपको COVID-19 से नहीं बचाएगा। शारीरिक दूरी बरतने, हाथों को साफ रखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा अन्य उपायों की जरूरतों का विकल्प